मोदी जी ने क्या बोला है? अरे मोदी जी तो सब कुछ कर रहे हैं, शिक्षा पे कोई विशेष ध्यान नहीं है उनका, नहीं ना बेरोजगारी बहुत है। यूनिवर्सिटी का तो शिलान्यास हुआ है। अरे क्या हुआ है, 2018 से वैकेंसियां हैं, 2021 तक फाइनल ना हुई, क्या हो रही है? पेपर लीक हो जा रही है, अभी तक पेपर ना लीक होती है। बच्चे इतने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो फिर दोबारा कैसे पढ़ेंगे? जो किसी के 5 साल हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, कुछ काम बताइए अभी सरकार। अरे हम उनका काम ना जान रहे हैं, बस ये जान रहे हैं कि वो शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है बस। अच्छा, यूपी का पेपर भी लीक हो गया था, टेट का पेपर लीक हो गया, बच्चे पेपर दे रहे थे, कैसे कैसे पढ़ाई किए हैं, उन ओवर एज हो जा रहा है, वैकेंसियाँ नहीं निकल रही है, और जो बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं उनका क्या? लेकिन जो युवा तो भस रहा है रैली में उनको देखने के लिए। अरे रैली में क्या, स्कूल में भेज दिए हैं सब, स्कूल से बच्चे चले आए, जैसे हम आए, हम भी स्कूल से आए, हमें भी ना पता था हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे टीचर। कौन सा जिला है आपका? हमारा जिला महाराजगंज है। महाराजगंज? हाँ, तो हम बहुत दूर पड़ता है। अरे तो हम यहाँ पढ़ते हैं डीएन पॉलिटेक्निक में। अच्छा, जरूरी कंपलसरी नहीं था, जैसे हमारे स्कूल से गूगल फॉर्म भरवाया गया, उसके द्वारा हमें यहाँ लाया गया। हाँ, क्या स्मार्टफोन मिलेगा? अरे नहीं, ये सब कुछ नहीं था, बस ये था कि जैसे कि आप वहाँ पे जाएंगे और भीड़ बढ़ाने के लिए, बस यही है। यहाँ पे देखने से हमको तो यही लग रहा है। मोदी जी का आपने? अरे कुछ ना सुना, बस यहाँ से आए, फिर यहाँ से घूम के जा रहे हैं। खाने पीने का मिला है? कुछ खाने पीने का ना मिला अभी तक, ऐसी कोई व्यवस्था ना है। संतुष्टि लग रही है? संतुष्टि का है। तो सबूत है क्या आपके पास? मोदी ने पेपर लीक करा, योगी ने, बताओ सबूत है आपके पास? अरे सबूत है तेरे द्वारा? नहीं, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों की भविष्य पर पूरा ध्यान दें और पेपर लीक ना होने दें। और बच्चे क्या है, भविष्य में मिलेंगे रोजगार मिलेगा? अब हमको तो नहीं लगता इस तरह देख के कि भविष्य में भी सरकार मिलेगा। बस अच्छा, आज जो ये शिलान्यास हो रहा है यूनिवर्सिटी का, हाँ, मेजर ध्यानचंद का, हाँ, क्या लग रहा है कब तक बन जाएगी? अरे हमें क्या लग रहा है, मतलब हम कुछ सुने ही ना अभी इसके बारे में, तो क्या बता सकते हैं हम? अभी अभी हम यहाँ तक आए, इतनी भीड़ है कि आगे तक जा ही नहीं पाए हम। ये तो मोदी योगी का प्यार है जो हमें दर्शन नहीं मिल रहे उनके। और क्या, यूनिवर्सिटी बनेगी तो युवाओं को तो शिक्षा मिलेगी ना? हाँ शिक्षा मिलेगी, ये सही है, लेकिन तो शिक्षा जो मिल रही है, बेरोजगारी तो भी बढ़ती जा रही है, क्या निकल रहा है? 5 साल में मानते कोरोना थी, लेकिन उसके बाद तो भी वैकेंसियां नहीं निकली, 2018 की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई, क्या कहेंगे अब? कोर्ट पहुंचाते हैं मामले? हाँ? कोर्ट तक पहुंचे हैं, अभी तक क्लियर ना हुई। आरआरबी ये जो है, सरकार तो कह चुकी है कि हम रोजगार के क्षेत्र में कुछ ज्यादा निकल पाए हैं। हाँ वो तो कह रही है ना, जब तेरी भविष्य है तो आने वाली पीढ़ी का। अरे क्या भविष्य है, क्या क्या ये हमारे क्षेत्र, ये हमारे क्षेत्र के विदेश में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में जाते थे, हिसार में जाते थे, अब अपने क्षेत्र में ही पढ़ाई करेंगे? अरे वहाँ कमरे ले लेकर आए थे 6-7 हज़ार रुपए, घर वाले देख रहे थे उन्हें। इस पे आप, भी इस पे आप क्या कहेंगे? जो तेरे बिहार में नहीं है बेरोजगारी है, नहीं, पढ़ाई नहीं, शिक्षा नहीं है, तो तू यहाँ क्या करना है जो, बता। नहीं, जैसे मेरे भैया थे, मेरे भैया तैयारी कर रहे थे टेट का, टेट का पेपर लीक हो गया, अब हमारे पास इतने पैसे नहीं। दोबारा हुआ ना, मोदी ने करा योगी ने करा, योगी मोदी बैठे थे वहाँ कंप्यूटर पर, योगी मोदी बैठे थे गेम करने के लिए। सरकार सरकार तो सबकी, आम जनता की सरकार है, जनता चाहे की सरकार बनाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना उनकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने कहा ऑर्डर किसका चलता है? क्या योगी मोदी कह रहे हैं की पेपर लीक कर दो, नकल करवा दो? क्या मोदी भ्रष्टाचार है? जिम्मेदारी की है योगी मोदी की, बताओ बताओ है? कंट्रोल आम जनता, हम करेंगे कंट्रोल, हम करेंगे पब्लिक, जो पब्लिक कंट्रोल चाहेगी तो होगा। हाँ देती है, अधिकारी करेंगे ना? क्यों अधिकारी किसके बाबत में? अधिकारी भी तो एक आम जनता ही है। अधिकारी एसएसपी चुना मोदी ने, चुना मगर मोदी किन्ने चुना? आम जनता ने, तो कौन चुनेगा? तो पेपर लीक करवाओगे? तो पेपर लीक मोदी ने करा, योगी ने करा, अमित शाह ने करा, किसने करा? आम जनता ने तो करा। अगर आप सुनो, अगर पेपर लीक करोगे क्यों? सुनो अगर आप बन गए, सुनो सुनो, अगर आप बन गए, आपके पास पेपर आ गया, तो सबसे पहला तुम ही अपने रिश्तेदारों को लोगे? पेपर कहाँ छपता? क्यों नहीं लोगे? पेपर आम आदमी छापता है? क्यों नहीं छापता आम आदमी? अच्छा चलो, कौन छापे है तुम्हें बताओ? सरकार छापती है ना? सरकार तो पेपर मोदी ने, मोदी छापे है पेपर, मोदी ने दिया गया पेपर लीक, मोदी ने ये बोल लाले बेटा पेपर, ये तो आपको सबूत है आपके पास?
सबूत है आपके पास? जी हाँ, बीजेपी की है चल रही, तो आज मोदी जी आ रहे, हमारे योगी जी आ रहे, तो सबसे मिलने आए थे, स्कूल के आए जी, टीचर ले गए हैं। आप वोट डालते हो? हाँ जी वोट डले जी, आपकी तीन वोट डल लो मैं, तीन वोट। आपकी छुट्टी आज क्यों लाए आप? आज जी नहीं लाए हैं, वहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ विश्वविद्यालय बनना है खेल का, इस वजह से हम यहाँ लाए हैं। हाँ जी हाँ जी, यहाँ आज सरधना से आज छुट्टी का दिन था, आज यहाँ पर वो हो रही थी मोदी जी रैली, ये झूठ बोल रहे, ये झूठ बोल रहे, स्कूल के हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये रैली होगी, कुछ नहीं खाने को, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं जी, मर गए खाने के लिए, नहीं जी तो भूखे तो मर गए, घर से भूखे आए थे, कुछ देते खाने को, कड़ी चावल मिले जी, कड़ी चावल, कड़ी चावल मिले हैं, आलू पूरी मिली है, फोन के लिए बुला रहे, नहीं जी कुछ फोन वोन किस नहीं बनना था, बस ब्लैक सूट मिल रहा है, कड़ी चावल, कड़ी चावल मिले हैं। देखिए ये स्टूडेंट है, आज ये रैली में बुलाए गए थे, योगी मोदी की रैली है, देखिए आज हम यहाँ मोदी जी को देखने आए थे और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। आप स्टूडेंट है, कहाँ से आए हो? हर्रा। हर्रा से? तो आप तो इतवार है, छुट्टी है आपकी? नहीं नहीं, हमारी फ्राइडे की छुट्टी है। रैली में किसने बुलाया था? हमें सुबह बोला गया था प्रेयर में कि आपको जाना है। आपने यहाँ पे क्या क्या आया करके? कुछ भी नहीं जी, आए और चल दिया। भीड़ बढ़ाने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं है, फिर भी हाँ कुछ हुआ नहीं है, ऐसे ही आए और ऐसे चले गए। क्या भाषण सुना है मोदी योगी जी का? नहीं नहीं, लाइव देखा हमने मोदी जी को। कैसा लगा है रैली में आकर? हाँ सही है जी। तो कुछ खाने वाने में भूख लगी? ना ना, भूख तो बहुत अच्छी लग रही थी पर कुछ है नहीं। कुछ नहीं मिला? हाँ। आपके टीचर भी आए हैं? हाँ जी हैं, हमारे टीचर। स्टूडेंट हैं आपके? 12 जी। 12 पूरे कॉलेज से कितने आए? 12 स्टूडेंट हैं, 2 टीचर। आना जरूरी था क्या? नहीं नहीं नहीं, आना जरूरी तो ना था जी। अच्छा, तो अपने भाड़े से आए थे या कोई बस वगैरह? नहीं नहीं नहीं, टेम्पो से आए थे जी। धन्यवाद जी, चले आए बन्नी तो जाम लग जाएगा। क्या सुना है, किसका शिलान्यास हुआ है जी? शिलान्यास हुआ है यूनिवर्सिटी का जी? हमने ना सुना कुछ भी, यहाँ तो आए और वापस चल दिए, बस अब 4 किलोमीटर फिर पैदल जाना। सिर्फ भीड़ बढ़ाने भीड़ बढ़ाने आए भीड़ बढ़ाने आए और क्या लगा है?